राजस्थानन। वैसे तो राजस्थान अपने पुराने सभ्यताओं के लिए जाना जाता है। लेकिन इसी राजस्थान में कई ऐसे गांव हैं जो अभी भी बहुत रहस्यमयी है। राजस्थान का वीरान गांव कुलधारा, जहां से रातों रात लोग हुए थे रहस्यमयी तरीके से गायब। हमारे भारत में कई ऐसी जगहें मौजूद हैं जिसका संबंध भूत प्रेतों से बहुत गहरा है। कई जगहें ऐसी हैं जो श्रापित है और वहां इंसानों का जाना खतरे से खाली नहीं है। ऐसी ही एक जगह राजस्थान में भी है जहाँ की डरावनी कहानियों की चर्चाएं दूर दूर तक होती हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के वीराने पड़े गांव कुलधरा की। जहां से रातों रात हजारों लोग गायब हो गए थे। कुलधरा गांव 200 साल से है वीरान है। जैसलमेर से कुछ दूरी पर स्थिति कुलधरा गांव भारत की हॉन्टेड प्लेस में शामिल है। कहा जाता है कि ये गांव करीब 200 साल से वीरान पड़ा हुआ है। लोग कुलधारा गांव से इतना डरते हैं कि शाम क्या वे दिन में भी यहां से निकलना पसंद नहीं करते हैं। एम बताया जाता है कि इस गांव को पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था और एक समय पर यहां पर बहुत चहल पहल होती थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद लोग ये गांव छोड़कर चले गए। दरअसल इस गांव के अचानक वीराना होने के पीछे एक कहानी है। गाँव का मंत्री एक क्रूर व्यक्ति था और वह अक्सर अपनी हरकतों से गाँव वालों को तंग किया करता था। गांव में कर वसूली का उसका तरीका गरीबों को परेशान करता था। ऐसा माना जाता है कि मंत्री ने गांव प्रधान की बेटी को बुरी नजर से देखा और वह उसे अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मंत्री की इस हरकत से पालीवाल ब्राह्मणों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी। गांव वालों ने इसे अपनी इज्जत पर वार समझा और वे रातों रात वहां से चले गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने गांव को श्राप दिया और ऐसा माना जाता है कि उस दौरान वहां मौजूद करीब 5000 लोग गायब हो गए थे। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यहां रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। बाजार के चहल पहल की आवाजें महिलाओं के बात करने और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज हमेशा ही आती रहती है। प्रशासन ने इस गाँव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता है।